मध्य प्रदेश की सियासत में साल 2020 कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए क्योंकि इस साल प्रदेश ने जो देखा वो बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि शुरुआत में इसका केंद्र बिंदु ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, लेकिन अब फोकस फिर से शिवराज है। शिवराज राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें कब क्या करना है इसकी रणनीति वो पहले से तैयार कर लेते हैं और उसी के अनुरूप वो अपनी बिसात बिछाते हैं। लेकिन महाराज के बीजेपी में आने के बाद शिवराज थोड़ा असहज है। ऊपर से ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के नेताओं के साथ पटरी बैठाना उनके लिए मुश्किल दिखाई सा दे रहा है। हालांकि कोरोना आपदा के बीच वो फिलहाल इन सभी संकटों को दरकिनार किए हुए हैं। कोरोना में उनकी जवाबदारी बढ़ गई है। वो इस संकट से उभरने के लिए तमाम प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। उनके मिनी मंत्रिमंडल में उन्होंने ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस वक्त उन्हें अनुभवी चेहरों की जरूरत पड़ सकती है, उस वक्त ऐसी क्या मजबूरी रही कि कई दिग्गजों को उन्होंने अपनी टीम कैबिनेट में शामिल नहीं किया। बीजेपी और बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थकों का मिला जुला मंत्रिमंडल ही उन्हें बनाना है, ये बात तो साफ थी। लेकिन उस पर भी ऐसी क्या अड़चन आई कि सिर्फ 5 नामों पर ही सहमति बन पाई। जहां बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से गोपाल भार्गव, जो कि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष, सीनियर विधायक, उमा भारती, बाबूलाल गौर और खुद शिवराज के मंत्रिमंडल में 15 साल रहे, अनुभवी नेता होने के साथ साथ पंचायत, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, सहकारिता जैसे अहम मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन कोरोना संकट में सरकार ने उन्हें जवाबदारी नहीं दी। उनके अलावा भूपेंद्र सिंह, पूर्व गृह परिवहन मंत्री, इन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है, भाजपा के यस मैन, सांसद, विधायक और मंत्री का अनुभव है। उज्जैन कुंभ जैसे बड़े आयोजन को बहुत बेहतर और सुलभ इन्हीं की बदौलत बनाया जा सका। ये मुख्यमंत्री शिवराज के नजदीकी हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। इनकी कार्यकुशलता का लाभ भी नहीं लिया जा सका। वहीं अनुभवी नेताओं में जो पूर्व में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, उनमें राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन, रामपाल सिंह, पारस जैन, यशोधरा राजे सिंधिया, विजय शाह जैसे नामों को भी दरकिनार किया गया। साथ ही विश्वास सारंग, संजय पाठक, सुरेंद्र पटवाल, जालिम सिंह जैसे नेता इस उम्मीद में थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में भले ही राज्य मंत्री बनाया जाए लेकिन शामिल जरूर किया जाएगा, लेकिन इन्हें भी शामिल नहीं किया गया। ये सभी नाम तो बड़े दावेदार थे, लेकिन इनके अलावा कई नाम 3 से 4 बार के विधायकों के भी थे जिनके हाथ भी निराशा लगी। वहीं बात करें सिंधिया कोटे से कौन कौन मंत्री बनने के शार्थी थे, तो उनमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत तो सरकार में सेट हो गए, यानी उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर के नाम अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं। ये सभी कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन शिवराज के मंत्रिमंडल में इन्हें जगह नहीं दी गई। इनके अलावा बिसाहू लाल सिंह, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को भी उम्मीद थी कि वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की परिस्थितियों में कांटों से भरा ताज शिवराज के सर पर है। अपने पराए सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग उतनी हो नहीं रही है और नए मामलों की संख्या चिंताजनक है। ऐसे में एक सवाल तो गाहे बगाहे उनके मन में आ ही जाता होगा कि कमलनाथ सरकार गिराकर गलती की या खुद मुख्यमंत्री बनकर। खैर, शिवराज के कैबिनेट का इतना छोटा होना ये बताता है कि वो कितने दबाव में काम कर रहे हैं। उन्हें हमेशा से फुल फ्लैश काम करने की आदत है, लेकिन अब शायद उन्हें अपने चौथे कार्यकाल में इसकी आदत छोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शायद इसीलिए एक कहावत बड़ी चरितार्थ है, जैसा बोया वैसा पाया। अब जो पाया है उसी से काम चलाना होगा। बस ध्यान रहे कि प्रदेश की जनता को शिवराज और महाराज की सरकार पर बड़ा भरोसा है, कहीं उनके भरोसे को गलत साबित नहीं होने देना। सागर टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।